bam 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 दोनों हाथ ऊपर भोलेनाथ को पुकारो शिवरात्रि काफी नजदीक है अभी से आमंत्रित करो भोलेनाथ को कि तुम्हारी शिवरात्रि शिव का अर्थ होता है कल्याण रात्रि का अर्थ होता है अंधकार अंधकार में भी जो कल्याण कर दे उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं
चौपाई, एक एक दोहा जो जीवन के लिए मैनेजमेंट के सूत्र बन जाएंगे, एक एक दोहा। परिवार के साथ अच्छा रहने का सूत्र क्या है? बढ़िया से बढ़िया नौकर कैसे बन सकते हो? नौकरी
अब नौकरी को मैं नौकर कहता हूं तो लोग ऐसे देखते, तो नौकरी को क्या बोलूं, मालिकी। अरे नौकरी कर रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, और बाहर कोई कह दे नौकर तो तुम लड़ाइयां करने लगते हो, तैयार हो जाते हो। इतनी पढ़ाई करके, इतना ऊपर उठ के क्या ढूंढ रहे हैं, नौकरी। भारत की यह परंपरा नहीं है, सनातन संस्कृति की यह परंपरा कभी रही नहीं। शायद वेद से आपका कभी कोई मतलब नहीं रहा, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रहा, संस्कृति को आपने जाना नहीं, विकृत हो चुके हैं। 3 से 4 पीढ़ियां मैकोले की शिक्षा ने विकृत कर दी है, इसलिए आपको तो अब यह पता भी नहीं है कि आपको करना क्या है। आदमी कहते हैं दादाजी लोग, दादाजी भी भ्रष्ट हो चुके हैं। क्यों? मैकोले की शिक्षा पद्धति के बाद जो भी लोग आए वो हो गए वैसे ही। ऐसा नहीं कि दादाजी हैं तो बड़े अच्छे होंगे, दादाजी भी उसी शिक्षा व्यवस्था में आए हैं। जब गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी उसका कोई बंदा बचा हो तो कह सकते हो बंदा बिंदास है, बंदा बहुत अच्छा है। हमारे देश में कभी नौकरियों के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं की गई। पूरा भारत सुन रहा है और संस्कार पे पूरी दुनिया भी सुनेगा। हमारे यहां कभी नौकरियों की इतनी जद्दोजहद नहीं रही। हमारे गुरुकुल के परंपरा में 20 प्रकार की ऐसी विद्याएं थीं कि विमान की विद्या से लेकर के एक साधारण विद्या तक गुरुकुल के छात्र को दिया जाता था। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, अगर गुरुकुल में है तो 20 तरह की विद्याएं ऐसी थी, जब वो निकलता था तो उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि गुरुकुल से निकलने के बाद हजारों लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाते थे हमारे बच्चे। वो हमारा भारत, वो हमारी सनातन संस्कृति थी।